नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है इजी कुकिंग विद सुमन। इस पर मैं बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ। मैं अवन में और माइक्रोवेव दोनों पे रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ। और अगर आप बहुत इजीली बनने वाली रेसिपीज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे जाके आप नई नई रेसिपीज़ भी सीख सकते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। आज मैं आपको कुछ रेसिपी नहीं बताऊंगी, मैं आज आपको बताऊंगी कि अवन में प्याज और लहसुन कैसे छीलते हैं। जी हाँ, अवन में प्याज और लहसुन कैसे छीलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमने ये मैंने प्याज ली है, तो इसको क्या करना है, ये हमें ऐसे इस प्याज में कट लगा देने हैं। देखिए, ये मैं सारी प्याज में कट लगा दूंगी। हम जब भी सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि अरे अभी तो हमें प्याज और लहसुन छीलना है, उसके बाद ही सब्जी बनना शुरू होगी। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप आसानी से प्याज और लहसुन छील सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनमें कट लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो प्याज मैंने ली है, ये वाली जो प्याज मैंने ली है जिनमें मैंने कट लगा दिया था, इन्हें मैं अवन में रखूंगी। अलग हमें इसे सीधे ही अवन में रख देना है, जो ग्लास ट्रे होती है उसके ऊपर। ये देखिए, ये मैं इसे ऐसे रख देती हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे रख देना है प्याज को। और इन्हें रखने के बाद मैं अवन को बंद कर दूंगी। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसमें मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो किड्स डिलाइट और कुकिंग एड वाला जो बटन है, इसे हम प्रेस करेंगे। देखिए, और इसको हम दो बार प्रेस करेंगे। ये मैंने इसको दो बार प्रेस कर दिया है। फिर से बता रही हूँ कि किड्स डिलाइट और कुकिंग एड वाला जो बटन है, इसे हमें दो बार प्रेस करना है, दो बार। और प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे UC1 आ जाएगा। ये देखिए, ये UC1 आ गया है। अब हमें क्या करना है, डायल को घुमाना है। जब तक कि UC11 ना आ जाए, क्योंकि UC11 पर ही हमारा अनियन पीलिंग है। देखिए, ये UC11 आ गया है। अब ये देखिए, UC11 आ गया, आप देख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने किड्स डिलाइट वाले बटन को दो बार प्रेस किया है, और उसके बाद डायल को घुमाया है जब तक कि UC11 नहीं आ जाए। और ये आने के बाद मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगी। ये मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया है, और 30 सेकेंड के लिए ये इसमें 30 सेकेंड का टाइमर आ गया है। ये देखिए, अगर आपके पास LG अवन ना हो, नॉर्मल अवन भी हो, तो आपको क्या करना है, 30 सेकेंड तक प्याज को अवन में चलाना है। ये देखिए, अभी इन प्याज को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इन्हें छील के देखती हूँ कि आसानी से छीलती हैं कि नहीं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो बहुत ही आसानी से छिल रही है। देखिए, में कोई झंझट नहीं है, आराम से छिल रही है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने कितने आसानी से इन्हें छील लिया है। अगर आप और भी ओवन रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मैं इसका अपनी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ओवन रेसिपीज की, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, कितनी अच्छे से
और कितनी जल्दी ये प्याज छिल गई। चलिए, ये प्याज तो अब हमारी छिल गई है, अब हम लहसुन को अवन में रखते हैं। देखिए, अब हम मैंने ये लहसुन की कलियां अलग कर ली हैं, अब इन्हें मैं अवन में रख देती हूँ। ये देखिए, ये मैं इन्हें भी बस ऐसे ही ग्लास ट्रे पे इसे रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने रख दिया है। और अब हमें क्या करना है, फिर वही करना है, किड्स डिलाइट वाले बटन को 2 बार प्रेस करना है। ये मैंने एक बार किया और ये फिर मैंने इसे 2 बार प्रेस किया। ये 2 बार प्रेस कर दिया, ये UC1 आ गया है। अब मैं डायल को घुमाऊंगी और हमारा गार्लिक पीलिंग UC10 पर है, और इस UC10 आने के बाद मैं स्टार्ट का बटन प्रेस कर दूंगी। ये इसमें 30 सेकेंड आ गया है। वही अगर आपके पास LG अवन ना हो तो आप किसी भी अवन में 30 सेकेंड तक इसको चला सकते हैं। अगर आपका कई बार गार्लिक या लहसुन बहुत ताज़ा भी होता है तो हो सकता है कि आपका ये 30 सेकेंड से पहले भी हो जाए, तो आप चेक कर लीजिएगा बीच में। अगर आपका 30 सेकेंड से पहले हो जाए तो आप स्टॉप करके लहसुन को बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि मेरा भी 30 सेकेंड से पहले ही हो गया, 20 सेकेंड में ही हो गया, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और अब मैं लहसुन को बाहर निकाल लूंगी। अभी मैंने लहसुन बाहर निकाल लिया है और अब मैं इन्हें भी छील के देखती हूँ। चलिए, फिर अब लहसुन को छीलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये लहसुन छिल रहा है। देखिए आप, कितनी आसानी से लहसुन छिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। नहीं तो हम नॉर्मली लहसुन छीलते हैं तो हमें एक लहसुन को छीलने में भी इतना टाइम लग जाता है, लेकिन अब देखिए इतना आसानी से लहसुन छिल रहा है। तो आप भी ये हैक घर पे ट्राई करके देखिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये हैक कैसा लगा। अब तो अगर ये वाला हैक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको लहसुन प्याज छीलने में कुछ ही मिनट्स लगेंगे और आपको अलग टेंशन भी नहीं रहेगी कि अरे अभी हमें तो लहसुन प्याज भी छीलना है।